दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में आपने कहीं ना कहीं लाईफाई का नाम तो सुना होगा, पर क्या आपको पता है लाईफाई कैसे काम करता है, ये वाईफाई से कैसे अलग है और आगे चल के ये इंटरनेट की दुनिया को कैसे बदलने वाला है? तो आज हम इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे। तो मेरा नाम है अनिर्बन और आप दोस्तों, जैसे वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी है, वैसे ही लाईफाई का पूरा नाम लाइट फिडेलिटी है। 1992 में वाईफाई के इन्वेंशन के बाद से वाईफाई ने इंटरनेट की दुनिया को बदल के रख दिया है। आप इस चीज़ का पता इस बात से लगा सकते हैं कि आज जितने भी डेटा ट्रांसमिट होते हैं उसका 60% वाईफाई के थ्रू होता है। पर इसमें कुछ खामियां हैं, ये सेफ नहीं है। आपने आमतौर पर सुना होगा वाईफाई हैक हो जाता है, तो हमें कुछ ऐसा चाहिए था जो कि सेफ हो, सिक्योर हो और एफिशिएंट हो, और हमें मिला लाइट। जी हाँ, लाइट बिल्कुल सही चीज़ है डेटा ट्रांसमिशन के लिए, क्योंकि ये भी वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हिस्सा है जिसका हिस्सा रेडियो वेव है जिससे वाईफाई चलता है। पर फर्क इतना है कि लाइट वेव रेडियो वेव से 10,000 गुना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की होती है, जिसका मतलब हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं लाइट के थ्रू। दोस्तों, वाईफाई की शुरुआत प्रोफेसर हेरोल्ड हॉस ने 2011 में एक सेमिनार में अपना कंसेप्ट सबके सामने रखते हुए दिया और बताया था कैसे हम लाइट के मदद से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। पर फाइनली 6 साल बाद वाईफाई का टेस्ट किया गया जो कि वाईफाई से काफ़ी फास्ट निकला। चलिए जानते हैं वाईफाई काम कैसे करता है। दोस्तों, वाईफाई काम करता है विजुअल लाइट कम्युनिकेशन या VLC के कंसेप्ट में। अब ये VLC क्या है? जब आप एक LED को कांस्टेंट पावर इनपुट करते हैं तो वो आपको कांस्टेंट आउटपुट देता है, पर अगर आप इनपुट पावर को चेंज करते हैं आउटपुट पावर में भी आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा और इसके मदद से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप TV के रिमोट के किसी बटन को क्लिक करते हैं या प्रेस करते हैं तो उसके सामने लगा इंफ्रारेड सेंसर ब्लिंक करता है, इन्फॉर्मेशन TV के रिसीवर तक पहुंचाता है और TV का रिसीवर उस ब्लिंक करने के पैटर्न को डिटेक्ट करता है और आगे फंक्शन करता है। दोस्तों, लाईफाई भी कुछ ऐसा ही काम करता है, पर इसमें TV के रिमोट के जैसे एक बल्ब नहीं बल्कि सैकड़ों बल्ब एक साथ लगे होंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा एक टाइम पर आपको ट्रांसमिट कर सके। दोस्तों, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं VLC का बेसिक कंसेप्ट कैसा है। इंटरनेट और सर्वर से कंटेंट लाइट ड्राइवर तक आता है। लाइट ड्राइवर डेटा के बाइनरी फॉर्म के हिसाब से पावर लेवल को फ्लक्चुएट करता है जिससे आपका लैंप ब्लिंक करता है या उसके आउटपुट इंटेंसिटी में वेरिएशन आता है। नीचे लगा फोटो डिटेक्टर उसी लाइट इंटेंसिटी को मेजर करता है और इन्फॉर्मेशन डिवाइस तक पहुंचाता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं लाईफाई कैसे वाईफाई से बेहतर है। दोस्तों, बैंडविड्थ की बात करें तो वाईफाई से लाईफाई की बैंडविड्थ 10,000 गुना ज़्यादा है और पूरा फ्री है, रेडियो वेव्स की जैसे नहीं है जो कि लाइसेंस होती है। लेटेस्ट वाईफाई स्टैंडर्ड के अनुसार वाईफाई का मैक्सिमम स्पीड या बैंडविड्थ है 7 GBPS तक का, वहीं लाईफाई का मैक्सिमम स्पीड 224 GBPS तक का टेस्ट किया गया है। डेटा डेंसिटी की बात करें तो लाईफाई की डेटा डेंसिटी वाईफाई से ज़्यादा है क्योंकि वाईफाई सिग्नल चारों ओर फैलती है, पर लाइट रेस आप जिस तरफ फोकस करते हैं उसी तरफ फैलता है। एनर्जी एफिशिएंसी, क्योंकि लाईफाई LED बल्ब्स के थ्रू डेटा ट्रांसमिट करते हैं, LED बल्ब्स पहले से ही एनर्जी एफिशिएंट है और हमें एक्स्ट्रा एनर्जी का यूज़ नहीं करना पड़ता डेटा ट्रांसमिशन के लिए। जैसे आपको पता है रेडियो वेव से रेडिएशन फैलता है और इसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है, पर लाइट का कोई असर नहीं होता, इससे रेडिएशन भी नहीं फैलता, तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। हम बहुत सारे हैजरियस कंडीशन में रेडियो वेव्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि ऑयल रिग्स, कोल माइंस, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज और एक्सेट्रा। उन जगहों पर लाइट का इस्तेमाल करना सबसे सही रहेगा। लाईफाई का इस्तेमाल हम पानी के नीचे भी कर सकते हैं क्योंकि रेडियो वेव्स पानी के नीचे ट्रैवल नहीं करती। लाईफाई के साथ एक प्रॉब्लम है इसके रेंज को लेके। लाईफाई ओपेक ऑब्जेक्ट क्रॉस नहीं कर पाती जिससे इसका रेंज सबसे ज़्यादा घट जाता है, पर यही चीज़ इसको सबसे सेफ और सिक्योर बनाता है। अगर आप एक रूम में बैठे लाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो नेक्स्ट रूम में बैठे किसी को भी पता नहीं चलेगा और वो आपका डेटा हैक नहीं कर पाएगा, वो आपका डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा। दोस्तों, जान लेते हैं लाईफाई का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकते हैं। हम लाईफाई का इस्तेमाल स्मार्ट लाइटिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। आजकल ज़्यादातर स्ट्रीट लाइट्स LED के होते हैं, उसी पर लाईफाई राउटर फिट करके पूरे शहर में हम इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं। हम लाईफाई टेक्नोलॉजी सेल्फ ड्राइविंग कार्स में भी यूज़ कर सकते हैं। गाड़ियाँ अपने टेल लाइट और हेडलाइट के मदद से एक दूसरे से कम्युनिकेट करेगी जिससे ये और भी सेफ बन जाएगा। हम लाईफाई को अंडर वाटर ऑपरेशन में यूज़ कर सकते हैं। हम अंडर वाटर ROVs या रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स को लाईफाई से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी तक ये केबल्स के साथ कंट्रोल होते थे। आप लाईफाई एरोप्लेन में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे एयरलाइंस वाईफाई और सेलुलर डेटा का इस्तेमाल नहीं करने देती क्योंकि इससे रेडियो इंटरफेरेंस बढ़ता है, पर लाईफाई से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।